आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में बेबी की ग्रोथ कैसे होती है। अब जब आप अपनी प्रेगनेंसी के अंतिम और तीसरी तिमाही में एंटर कर चुकी हैं, तो आपको अपना और अपने होने वाले बेबी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब बस 2 और महीने बचे हैं जब आप अपने बेबी से मिल पाएंगे, तो आइए जानते हैं कि इस समय आपके बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। आपकी 7th मंथ की प्रेगनेंसी में आपके बेबी का वेट लगभग 1 किलो का हो जाता है। आपका बेबी लगभग 14 इंचेस का हो जाता है और इस मंथ तक आपका बेबी लगभग 70% तक डेवलप भी हो चुका होता है। आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट चरम सीमा पर होता है और इसके साथ साथ वो और भी सेंसिटिव हो जाता है किसी भी लाइट, स्मेल, साउंड या म्यूजिक को लेकर। आपके बेबी को पता लगता है जब भी आप डे लाइट में स्टेप करती हैं या फिर जब भी आप कोई म्यूजिक सुनती हैं। अब आप अपने पेट में बेबी की मूवमेंट को भी फील कर पाती हैं। यकीन मानिए, ये बेहद खूबसूरत एहसास होता है। 7th मंथ के बाद से ही आपके बेबी में रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाती है। जैसे कि अगर 7th मंथ में आपका बेबी तकरीबन 1 किलो का होता है, तो 7th से 9th तक आपका बेबी तकरीबन 3 किलो का हो जाता है। इसलिए इस टाइम पर आपको अपना और अपने बेबी का न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखना चाहिए। सेंस एंड रिस्पॉन्ड। अब आपके बेबी की सेंसेस इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि वो रिस्पॉन्ड भी करना चाहता है। जैसे कि स्टिमुलेशन के लिए अगर आप म्यूजिक सुनती हैं या फिर बेबी को स्टोरी सुनाती हैं, तो वो मूवमेंट करेगा। बेबी की हियरिंग पावर को और डेवलप करने के लिए आप पॉजिटिव या फिर स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनिए। स्किन कलर। 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी में बेबी का कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं डेवलप होता है। आपका बेबी इस समय कलरलेस होता है। 7th मंथ से आपके बेबी की बॉडी में मिलानोसाइट्स डेवलप होते हैं, जो आपके बेबी के कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करते हैं कि आपका बेबी फेयर होगा, डार्क होगा या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन का होगा। ओपन एंड क्लोज आईज। 7th मंथ में आपके बेबी की आईलिड्स, आईलैशेस और आईब्रोज पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं और बेबी अपने आई ब्लिंक भी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस समय आपका बेबी दिन और रात में फर्क भी समझने लगता है। बेबी मूवमेंट्स एंड स्लीप साइकिल। आपकी और आपकी सराउंडिंग्स की आवाज सुनकर आपका बेबी रिस्पॉन्ड जरूर करता है। बेबी मूव में सोता भी है, मूव भी करता है और जागता भी है। इसलिए जब आपका बेबी कोई मूवमेंट ना करे तो घबराइए नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सो रहा हो और आपकी एंग्जाइटी की वजह से घबरा कर उठ जाए। कभी कभी बेबी स्टिम्युलेशन करते रहिए, लेकिन अगर आपको काफी देर तक बच्चे का कोई भी मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि अगर 7th मंथ के बाद आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, तो आपका बेबी सर्वाइव कर सकता है। लेन्यूगो हेयर शेड्स। लेन्यूगो हेयर बहुत ही सॉफ्ट और फेदरी हेयर होते हैं, जो आपके बेबी की टेल बोन, बैक और शोल्डर्स पर होते हैं। 7th मंथ से आपके बेबी के लेन्यूगो हेयर शेड होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज लेन्यूगो हेयर के साथ ही बॉर्न होते हैं और फिर धीरे धीरे वो हेयर बाद में शेड हो जाते हैं। अपने डॉक्टर के साथ अपने डिलीवरी प्लान्स डिस्कस करें। 7th मंथ के दौरान प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो आप अपने डॉक्टर से सारी जानकारी लेकर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपके ग्रोइंग एब्डोमेन की वजह से आपको बेंट करने में या रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आप वॉकिंग करें और अपनी बॉडी को फिट रखें और फ्लेक्सिबल रखें, तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। अपने पोस्चर को हमेशा करेक्ट रखिए, अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर रखिए और अपॉइंटमेंट्स को बिल्कुल भी मिस ना करिए। आपके डॉक्टर ने आपको जो भी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड स्कैन बोले हैं, तो उन्हें समय पर करवाइए, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिए। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आप अपने आप को किसी भी हॉबी में, एक्सरसाइज में या फिर मेडिटेशन में इन्वॉल्व करें। विटामिन सी और आयरन रिच फूड जरूर खाएं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, ऑरेंजेस एंड लाइम। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपने हीमोग्लोबिन लेवल, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी जरूर करवाएं। अगर आपका ब्लड टाइप RH नेगेटिव है, तो इसे अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो पहले से ही आपको आगाह कर दे। अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और कोशिश करें डे टाइम में भी नैप जरूर लें।
ज्यादातर कोशिश करें कि आप अपनी लेफ्ट साइड पर ही लेटें। अपने बेबी की मूवमेंट्स को पूरे दिन में काउंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी 10 बार से कम मूव कर रहा है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि इससे बेबी की हार्ट रेट पर असर पड़ता है। प्रीनेटल योगा और एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर की निगरानी में ही करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और थोड़े थोड़े टाइम बाद फिल्टर्ड वाटर, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, कोकोनट वाटर, लाइम एक्सेट्रा पीते रहें। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। 7th मंथ में अगर आपका वाटर बैग रैप्चर हो जाए, वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए, बेबी मूवमेंट्स काफी देर तक ना फील हो या फिर पेन स्टार्ट हो जाए, तो आप इन इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कॉमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनके काम भी आ सकती है, उनकी मदद भी कर सकती है। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।